हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके फिल्म यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएसबी रबर डकी के बारे में। तो दोस्तों, जो यूएसबी रबर डकी है ये एक पेन ड्राइव की तरह दिखने वाला चीज है, पर ये कोई पेन ड्राइव है नहीं। यानी कि इसके अंदर जो सर्किटरी है वो बिल्कुल भी पेन ड्राइव की तरह नहीं है। वहाँ पे जो सर्किट है ये बिल्कुल आप कह सकते हो कुछ हद तक आर्डुइनो की तरह है। तो यहाँ पे आप एक मेमोरी कार्ड को लगा सकते हो और जो मेमोरी कार्ड है उसे आप प्रोग्राम कर सकते हो आपके पीसी से। तो दोस्तों, ये जो यूएसबी रबर डकी है ये आखिर होता क्या है? तो दोस्तों, ये एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा मतलब एक डिवाइस है और उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी है। और जो डिवाइस है उसे जब भी आप अपने पीसी के साथ प्लग इन करोगे तो वो क्या करेगा कि वहां पे आपने जो कमांड उसने दे रखा है वो कमांड को वो आपके पीसी के अंदर रन करा देगा। तो यानी कि यहाँ पे जो कमांड वो रन करवा रहा है वो ऐसे, अगर मैं एक नॉर्मल पीसी की बात करूं तो वहां पे अगर आप कोई भी पेन ड्राइव को ऐसे ही लगा दोगे तो उसके अंदर अगर आप कोई भी कमांड रखोगे वो कमांड कभी भी वो रीड नहीं करेगा। पर यहाँ पे जो यूएसबी रबर डकी है, यूएसबी रबर डकी ऐसा कभी नहीं होता। ये जो यूएसबी रबर डकी है ये जब भी आप आपके कंप्यूटर के अंदर प्लग इन करोगे, आपका जो कंप्यूटर है उसका जो अगर मैं लूज पॉइंट की बात करूं तो लूज पॉइंट है आपका कीबोर्ड और माउस, और उसी लूज पॉइंट को इस्तेमाल करके यहाँ पे आपका जो यूएसबी रबर डकी से बनाया गया है। और जब भी आप उसे उस आपका जो यूएसबी रबर डकी है उसे जब भी आप आपके पीसी के साथ प्लग इन करोगे तो वहां पे क्या होता है कि आपका जो पीसी है वो ये समझेगा कि ये जो यूएसबी रबर डकी आपने जो प्लग इन किया है वो उसे पेन ड्राइव की तरह नहीं देखेगा, वो उसे क्या देखेगा, आपका एक कीबोर्ड की तरह। इसी वजह से आपका पीसी उसको आराम से उसके अंदर कुछ भी करने का परमिशन दे देगा। जैसे कि अगर मैं एक कीबोर्ड की बात करूं, अगर आप कभी भी कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड को प्लग इन करोगे तो क्या आपका पीसी कभी भी आपसे परमिशन मांगेगा? कभी नहीं मांगेगा। तो इसी तरह से अगर आप यूएसबी रबर डकी को प्लग इन करते हो किसी पीसी के अंदर तो वो पीसी भी कभी भी किसी से भी परमिशन नहीं मांगेगा। तो इसी वजह से आपका जो यूएसबी रबर डकी है वो काम कर लेता है। अब आप जब भी यूएसबी रबर डकी को अपने पीसी के अंदर प्लग इन करोगे तो वहां पे क्या होगा, अगर मान लीजिए वहां पे किसी टाइप का वीबी स्क्रिप्ट है या फिर किसी तरह का वहां पे कोई दूसरा बैच फाइल है जो कि आपके कंप्यूटर के लिए सही नहीं है, जो कि एक वायरस है, उसे आराम से आपके कंप्यूटर में रन हो जाएगा और वो वायरस आपके कंप्यूटर में आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यूएसबी रबर डकी को इस्तेमाल करके कोई भी आपके पीसी से कोई भी डाटा को चुरा भी सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप किसी पीसी के अंदर एक यूएसबी रबर डकी को प्लग इन कर दिया गया, फिर क्या हुआ कि वो बैकडोर में एक ऐसा चैनल खोल दिया, वो जो यूएसबी रबर डकी ऐसा उसमें वायरस था कि वो ऐसा बैकडोर में चैनल खोल दिया कि वहां से कोई भी डेटा वहां से जा सके। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई हैकर किसी दूर रिमोट लोकेशन में बैठा हुआ है और उसके पास आपके पीसी से सारा डेटा, वो जो चैनल है जो इंटरनेट थ्रू जो चैनल उसमें खोल दिया यूएसबी रबर डकी ने, तो वहां से आपका सारा डेटा उस हैकर के पास चला जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है यूएसबी रबर डकी को इस्तेमाल करके। इसीलिए दोस्तों, अगर कभी भी किसी भी पीसी के अंदर आपका मान लीजिए कोई पीसी है वहां पे कोई थर्ड पर्सन आके कोई भी पेन ड्राइव को प्लग इन करना चाहता है तो आप पहले उसे चेक कर लीजिए कि वो कोई उल्टा सीधा कुछ दिख तो नहीं रहा है। जैसे कि दोस्तों, यूएसबी रबर डकी का जो लोगो है वो आपके एक डक की तरह है जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन में, तो इसी तरह से एक लोगो आता है यूएसबी रबर डकी का। या फिर आप यूएसबी रबर डकी को बना भी सकते हो, ये भी हो सकता है पॉसिबल है, इसे बनाना आर्डुइनो को इस्तेमाल करके यूएसबी रबर डकी को बनाना पॉसिबल है। तो दोस्तों, यूएसबी जो रबर डकी है ये काफी खतरनाक चीज है। ये वीबी स्क्रिप्ट को, बैच फाइल को, कुछ बहुत सारे ऐसे फाइल्स है इस तरह की चीजों को रन करके आपके पीसी को डैमेज कर सकता है। जैसे कि दोस्तों, मैंने बैच फाइल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वहां पे मैंने आपको बैच फाइल को इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजों को खोलना सिखाया था। बहुत ही सिंपल एक वीडियो था वो, अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो आप कार्ड में उसका लिंक उससे जाके देख सकते हो, तो आपको बैच फाइल के बारे में आइडिया लग जाएगा कि वो कितना खतरनाक हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो कभी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया जरूर लाइक कीजिए, उसी के साथ दोस्तों वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके पास जो घंटी आइकॉन रहता है उसे भी दबा दीजिएगा। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।